गाइस नमस्कार। आज हम बात करेंगे 17 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के बारे में। और शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, INS कोसी का युद्ध अभ्यास, कोरोना डाक टिकट जारी, लोसांग महोत्सव के बारे में, विश्व का सबसे बड़ा खादी ध्वज, इसके बारे में इन पर महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। कुछ और भी टॉपिक है उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने रविवार को अरब सागर में अभ्यास किया है। इस दौरान नौसेना को पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बनाने वाली स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोसी का भी निरीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक भारतीय नौसेना ने अरब सागर में रूसी नौसेना के साथ INS कोसी का अभ्यास किया है। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत का परीक्षण किया है। देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान को 16 जनवरी को एक साल पूरा हो गया। इस मौके पर COVID-19 टीके पर एक डाक टिकट जारी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हमने टीकाकरण अभियान का एक साल पूरा कर लिया है। लक्ष्य सेन इंडिया के एकल स्पर्धा खिताब अपने नाम कर लिया है। 20 वर्षीय लक्ष्य ने मौजूद विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन येओ को 24-22, 21-17 से हराकर अपना पहला इंडियन ओपन खिताब जीता है। विश्व चैंपियंस में कांस्य पदक जीतने वाले अल्मोड़ा के लक्ष्य पहली बार BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 इवेंट के फाइनल में पहुँचे थे। टूर्नामेंट में महिला एकल के फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओगाबारू गाफान ने हम वतन सुफा निंदा कैथे थो को हराकर खिताब पर कब्जा किया है। शिपिंग में लो तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है। ये ऐसा समय है जब किसान अपनी फसल की कटाई का जश्न मनाते हैं। चिराग सात्विक स्टार भारतीय जोड़ी ने इंडियन ओपन के युगल स्पर्धा का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मोहम्मद एहसान और हेडरा सेतियावान इस जोड़ी को सीधे सेटों में 21-16 और 26-20 से हराया है। इसी के साथ ही चिराग और सात्विक की जोड़ी अब इंडिया ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष टीम बन गई है। हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में राजस्थान के जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। यह राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग 1700 किलोग्राम है। 70 कारीगरों ने 49 दिनों में इस झंडे को तैयार किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड हाल ही में भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला UPI लाभार्थी बैंक बन गया है। इस एक महीने के दौरान 926 मिलियन से अधिक UPI लेन देन का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। NIRAMAI हेल्थ एनालिटिक्स और IEEE टेक्नोलॉजी प्राइवेटेड लिमिटेड को विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य टेक पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन नवोन्मेषी स्टार्टअप को मान्यता देता है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए तत्कालीन लाभ उठाते हैं। बांग्लादेश के ढाका में हाल ही में 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया हुआ है, जिसमें 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है, जिसमें फेस्टिवल के दौरान कई फिल्में ऑनलाइन स्ट्रीम की जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान की शुरुआत की है, जिसमें भाग लेने वाले 75 बाइकर्स का चयन देश भर से किया जाएगा, जो समूहों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 9000 किमी की दूरी तय करेंगे। IIT के पूर्व छात्रों द्वारा जल शोधन के लिए लॉन्च किए गए स्वजल वाटर
लिमिटेड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संचालित स्टार्टअप लॉन्च की गई है। इस कंपनी का पेमेंट सिस्टम क्लियर वायंट शुद्धिकरण प्रणालियों को अनुकूलित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उपयोग करता है। जोस डैनियल ओर्टेगा सुवेंद्रा ने हाल ही में निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में 5वें कार्यकाल के लिए शपथ ली है। यह निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में उनका 5वां कार्यकाल है और लगातार 4था कार्यकाल है। वह जनवरी 2027 तक कार्यकाल में रहेंगे। उन्हें नेशनल असेंबली के प्रमुख गुस्ताओ पोरस से राष्ट्रपति पद की शपथ मिली है। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट ओपिनियन भी कमेंट में शेयर करते जाएं। तो गॉड ब्लेस यू।